बिहेवियर के अगर डेफिनेशन देखा जाए तो उसको टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है दैट इज रिस्पॉन्डेंस एंड ऑपरेंस रिस्पॉन्डेंस वो कंट्रोल्ड बिहेवियर्स होते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव मैनर में फंक्शन करते हैं ये मोस्टली स्टीरियोटाइप काइंड ऑफ बिहेवियर होते हैं जो कि अगर अक्रॉस पॉपुलेशन देखा जाए तो ये तमाम बिहेवियर फिक्सड होते हैं रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर्स में आ जाते हैं सोमैटिक रिफ्लेक्सेस सेंसेशंस और डिफरेंट इमोशनल रिएक्शंस देन ऑपरेंट्स की अगर बात की जाए तो ऑपरेंट्स जो है वो कॉन्सिक्वेंस कंट्रोल बिहेवियर्स होते हैं क्योंकि रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर में इन्वामेंट की वजह से इंडिविजुअल के बिहेवियर में या पेशेंट के बिहेवियर में चेंज आता है बट ऑपरेंट जो बिहेवियर है उसमें पेशेंट के बिहेवियर की वजह से इन्वायरमेंट में चेंज आता है ऑपरेंट बिहेवियर्स में आ जाते हैं एक्शंस डिफरेंट कांगनीशन इसके अलावा डिफरेंट इंस्ट्रोमेंटल रिस्पॉन्स लाइक रिस्पॉन्स ऑफ स्मूद मसल्स ग्लैंड एंड हर्ट एट्सक्ट्रा अब ड्यूरिंग असमेंट बिहेवियर थेरापिस्ट के डिफरेंट टास्क होते हैं जिनमें सबसे सब पहला टास्क आ जाता है टू आइडेंटिफाई तो बिहेवियर थेरेपिस्ट ने सबसे पहले तो उन तमाम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है जो कि पेशेंट के, के टारगेट बिहेवियर को अफेक्ट करें इसके अलावा रिस्पॉन्डेंस और ऑपरेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है इसके अलावा रिस्पॉन्डेंस और ऑपरेंट्स के जो भी कॉन्सिक्वेंस हैं उन कॉन्सिक्वेंस को आइडेंटिफाई करना होता है इसके अलावा अगर सेटिंग इवेंट्स पेशेंट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो थेरेपिस्ट ने उन इवेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना होता है ताकि इसके थ्रू क्लाइंट के बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल बिहेवियर्स की एक क्लिनिकल पिक्चर ऑप्टें की जा सके। नेक्स्ट जो टास्क होता है बिहेवियर थेरेपिस्ट का वो है टू क्लासिफाई कि थेरेपिस्ट ने अपने क्लाइंट से जो भी इंफॉर्मेशन ऑप्टेन की है अब उसको उस इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करना होता है क्लासीफिकेशन में उन बिहेवियर्स की ग्रुपिंग की जाती है जिनको वीक या रिमूव करना हो या फिर वो बिहेवियर्स जिनको स्ट्रेंथन या ऐड करना हो उसके बाद उन बिहेवियर्स की ग्रुपिंग की जाती है जो कि इन इनअप्रोप्रिएट हों दैन उन बिहेवियर्स को ग्रुप किया जाता है जो कि पेशेंट जिन ग्रुप बिहेवियर्स को वैल्यू करता हो या उसके बाद जिन बिहेवियर्स को पेशेंट के फैमिली मेंबर्स वैल्यू करते हों तो थेरेपिस्ट ने इन तमाम बिहेवियर्स को क्लासिफाई करना होता है नेक्स्ट जो टास्क आ जाता है वो है प्रोफेसाई और प्रिडिक्शन। बहुत कम बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं जो कि प्रोफेसाइंग या प्रिडिक्शन को यूज़ करें मोस्टली साइकोलॉजिस्ट प्रिडिक्शन के बजाय थेरापूटिकली डिफरेंट बिहेवियर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट जो टास्क आ जाता है वो है टू स्पेसिफाई तो स्पेसिफाइंग में थेरेपिस्ट ने उन गोल्स मेथड ऑफ इंटरवेंशन या थेरापिटिक एजेंट्स को स्पेसिफाई करना होता है जो कि वो अपने बिहेवियरल असेसमेंट प्रोसेस में यूज़ करेगा लास्ट जो असेसमेंट टास्क आ जाता है वो है इवेलुएशन तो एवेलुएशन को तीन सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है दैट इज़ प्रोसेस एवेलुएशन आउटकम इवेलुएशन एंड फॉलो अप इवेलुएशन तो बिहेवियरल असमेंट मेथड्स डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो अब बिहेवियरल असमेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो ट्रेडिशनल असमेंट से डिफरेंट हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाता है सैम्पल साइन। तो जब टेस्ट रिस्पॉन्स को एज अ सैम्पल रिव्यू किया जाता था तो ये एज्यूम किया जाता था कि ये रिस्पॉन्स पैरालेल हैं मीन्स अगर एक इंडिविजल ने एक टेस्ट पर अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया है तो ये एज्यूम किया जाता था कि यह एग्रेशन हर सिचुएशन में अक्ल करता है जबकि टेस्ट रिस्पॉन्स को जब एज अ साइन रिव्यू किया जाता था तो ये इन्फ्रेंस ड्रा की जाती थी कि ये जो रिस्पॉन्स आए हैं जो इंडिविजुअल की आ, टेस्ट पे परफॉर्मेंस है वो किसी और कैरेक्टरिस्टिक की इनडायरेक्ट या सिम्बॉलिक मैनिफेस्टेशन है उसके बाद 1953 में स्किनर ने फैक्टर एनालिसिस फंक्शनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया था फंक्शनल एनालिसिस मींस के अगर किसी स्टमलाई की वजह से कोई रिस्पांस शो हो रहा है या कोई बिहेवियर शो हो रहा है और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंस आ रहे हैं तो उस बिहेवियर और उन कॉन्सिक्वेंसिस को एग्जैक्टली exactly एनालाइज़ किया जाए क्योंकि बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसिस की बेसिस पे बिहेवियर को लर्न भी किया जाता है और मेंटेन भी किया जाता है तो किसी भी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को चेंज करने के लिए बिहेवियर थेरेपिस्ट ने सबसे पहले तो स्टिमुलस कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से बिहेवियर शो हो रहा है और फिर री को डिटरमिन करना है जिसकी वजह से बिहेवियर को फॉलो किया जा रहा है और जब थेरेपिस्ट इन दो फैक्टर्स को असेस कर लेता है तो उसके बाद उसके लिए इजी हो जाता है कि वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके स्टिमुलस को मैनिपुलेट करके या फिर री को मैनिपुलेट करके उसके बाद आ जाता है सॉर्क मॉडल जो कि क्लिनिशियंस डिफरेंट बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को कंसेपचुलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं सॉर्क मॉडल में फोर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसमें एस को अगर देखा जाए तो इसमें स्टिमुलस और एंटीसीडेंट कंडीशंस आ जाती हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को uh, लेके आ रही हैं या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कॉज कर रही हैं इसके अलावा ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनिजमिक वेरिएबल्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर

बट बिहेवियल असेसमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि बिफ़ोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रीटमेंट परफॉर्म किया जाता है दैन आ जाते हैं मैथड्स ऑफ बिहेवियल असेसमेंट सबसे पहला जो मैथड है वो है बिहेवियल इंटरव्यूइंग। सो बिहेवियल असेसमेंट में बिहेवियल इंटरव्यूइंग थेरापिस्ट को हेल्प करती है कि वो अपने पेशेंट के बिहेवियर से रिलेटेड एक फंक्शनल अनालिस फॉर्मुलेट कर सकें क्योंकि बिहेवियल इंटरव्यूज़ का जो फोकस होता है वो एंटीसीडेंट्स बिहेवियर्स और कॉन्सिक्वेंस के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड और डिस्क्राइब करने पे होता है क्रैटोक्ल ने 1985 में ये सजेस्ट किया था कि बिहेवियल इंटरव्यूज़ में फ़ोर स्टेप्स को फॉलो किया जाता है जिनमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जिसमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और डिफरेंट प्रोसीजर्स को एक्सप्लोर किया जाता है जिनके थ्रू टारगेटेट बिहेवियर को मैया किया जा सके सेकेंड जो स्टेप आ जाता है वह है प्रॉब्लम अनेलिसिस तो उन कॉन्टेक्ट्स को या उन कंडीशन को असेस किया जाता है जिनमें बिहेवियर जो है वो ज़्यादा अक्कर कर रहा है थर्ड स्टेप आ जाता है असमेंट प्लानिंग जिसमें थेरापस्ट प्रॉपर एक असेसमेंट प्लान इस्टेब्लिश करता है लास्ट में आ जाता है ट्रीटमेंट एवेल जिसमें डिफरेंट स्ट्रैटीज़ के थ्रू ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को या ट्रीटमेंट की सक्सेस को असेस किया जाता है सेकेंड जो मेथड आ जाता है वह इन्वेंट्रीज एंड चेकलिस्ट सो बिहेवियल टनीशियंस डिफरेंट सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स यूज़ की कर, करते हैं ताकि बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके इमोशंस को रिस्पॉन्स को उसके परसेपशन को आइडेंटिफाई किया जा सके इनमें फीयर सर्विस केजुअल को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिसमें फिफ्टी वन फीयर अराउजिंग सिचुएशन होती हैं और पेशेंट ने हर सिचुएशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ़ फीयर को रेट करना होता है इसके अलावा डिफरेंट बिहेवियर इन्वेंट्रीज़ डिवेलप की जा चुकी हैं जिनके थ्रू इंडिविजुअल का जो अपने सोशल इन्वामेंट से रिलेटेड परसेप्शन है उसको असेस किया जा सके लास्ट में आ जाते हैं रेटिंग स्केल्स तो क्लिनिकल uh, साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट रेटिंग स्केल्स और बिहेवियर चेकलिस्ट डिवेलप की हैं जो कि वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर्स को मैय uh, करते हैं और इन बिहेवियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रेटिंग स्केल्स का अगर पर्पस देखा जाए तो ये चिल्ड्रन अडोलस और एडल्ट्स के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को असेस करने के लिए डिवेलप किए गए थे इसके अलावा बिहेवियरल असेसमेंट में डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी आई हाइन्स ने 1998 में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की एक आउटलाइन प्रोवाइड की थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि लैपटॉप और हैंड हेल्थ कम्प्यूटर्स के थ्रू जो ऑब्जर्वेशनल डेटा की कोडिंग है वो बहुत इजी हो गई है इसके अलावा कंप्यूटर्स के थ्रू क्लाइंट को रियल टाइम सेल्फ मॉनिटरिंग डेटा भी प्रोवाइड किया जा सकता है और अगर क्लाइंट के कोई भी क्योरीज़ हो तो उन क्योरीज़ को कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के थ्रू लैपटॉप्स में जो प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू डे और नाइट किसी भी स्पेसिफाइड टाइम में उनको रिस्पॉन्स किया जा सकता है